नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, अभी जो करंटली बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी, या यूँ कह दो कि बहुत ही अच्छा जो सिलेबस है इस बार आया है। क्योंकि जैसे अपने अपने को पता ही है, क्योंकि बीएससी की जो है सेमेस्टर प्रणाली पिछले साल यानी 2023 से शुरू कर दी थी, जिसमें अपने एक साल में 2 बार पेपर देने होते थे और इनका जो सिलेबस का पैटर्न भी था वो अलग था। बट इस बार दो सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो क्या है नई कर दी है, कुछ चीज़ें जो है क्या कर दी है, कम कर दी है यूँ कह दो। जैसे पहले 2 पेपर हुआ करते थे, इस बार अब क्या हो गए, 1 पेपर हो गया है। तो अपने उसके बारे में क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानकारी अपने लेते हैं। यहाँ पे आपका पेपर क्या होगा, एक होगा केमिस्ट्री फर्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें मार्किंग यानी मार्किंग स्कीम की बात करें, नंबर की बात करें, तो ये जो पेपर आपका होगा वो 80 नंबर का होगा और 20 नंबर आपके इंटरनल एग्जाम के होंगे। यानी कि ये जो 20 नंबर आपको दिख रहे हैं, ये 20 नंबर का क्या होंगे, इंटरनल एग्जाम के होंगे। और एक सेकंड में जो रहेगा आपका लेबोरेटरी टेक्निक एंड सेफ्टी, इन लेबोरेटरी में यानी प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल आपके 40 नंबर का प्रैक्टिकल और 10 नंबर का जो है इंटरनल, यानी यहाँ कॉलेज के थ्रू भेजे जाएंगे। तो यहाँ पे जो पेपर आपके रहते हैं, 80 नंबर का थ्योरी का पेपर, 40 का आएगा प्रैक्टिकल, तो कितने हुए, 120। और 120 में 30 और एड ऑन कर दो तो टोटल पैटर्न कितना जाएगा अपना, 100 150 का। तो अपने शुरू करते हैं यहाँ पे कोर्स के बारे में। तो कोर्स के बारे में शुरू करते हैं, जिसमें यहाँ पे है कोर्स, कोर कोर्स कोर्स फर्स्ट ऑफ सेमेस्टर अपना फर्स्ट आएगा, जिसमें अपना पेपर आता है केमिस्ट्री फर्स्ट, यानी जो पेपर जो नाम पेपर का जो नाम आएगा वो आएगा केमिस्ट्री फर्स्ट। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि केमिस्ट्री फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स जो है अपने को पढ़ने हैं, ताकि अपना पेपर जो है बेहतर तरीके से अपने कर पाए। तो यहाँ सबसे पहला जो, ये एक बात और बताती हूँ, जैसे अब अपने 12th के बाद में बीएससी की तरफ फर्स्ट टाइम है, तो अपने को कुछ चीज़ें नहीं पता होती, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि एक पेपर में या एक पेपर को करने में अपने को 5 यूनिट को तैयार करना होता है। तो यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट यानी इकाई फर्स्ट जो ले रखी है, उसमें अपना टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। सेकंड टॉपिक होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और थर्ड टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये तीनों जो टॉपिक होंगे वो आपके इन ऑर्गेनिक से लिए होंगे। ये कौन सी बुक से लिए होंगे, इन ऑर्गेनिक से लिए होंगे। अब आती है अपनी थर्ड यूनिट की बारी, फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपकी कौन सी रहेगी, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेगी। थर्ड यूनिट में एक तो आता है मैथमेटिकल कंसेप्ट, जो कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। उसके बाद में आता है गैसेस स्टेट, और फोर्थ यूनिट में लिक्विड स्टेट। यानी ये तीनों चैप्टर आपके किस कौन से बुक से लिए गए हैं, ये लिए गए फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन से, ये तीनों चैप्टर जो है उठाए गए हैं। और यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, ये चैप्टर जो आपका है वो कौन सी बुक का है, वो है इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन का चैप्टर है। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट का चैप्टर जो, दो चैप्टर लिए गए हैं, एक तो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, दूसरा है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दोनों के दोनों चैप्टर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन के चैप्टर हैं। और चैप्टर कौन सा है, सेकंड और थर्ड नंबर चैप्टर दोनों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिए गए हैं, जिसमें आपकी मेन जो फिफ्थ यूनिट है, इसमें ये दोनों चैप्टर बेहतर तरीके से अगर अपने कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अपने लिए क्या होगा, एक बेस्ट अचीवमेंट होगी। अब जैसे यहाँ पे हिंदी में भी नीचे दिए हुए हैं, इकाई फर्स्ट में परमाणु संरचना, इकाई सेकंड में आ गया आवर्ती गुण, इकाई फर्स्ट में है ये परमाणु संरचना और आवर्ती गुण, और इकाई सेकंड में है संरचना और बंधन,
और इकाई थर्ड में है जो गणितीय अवधारणाएं हैं, और उसी थर्ड के अंदर है गैसीय अवस्था, और फोर्थ इकाई में यानी चौथी इकाई में है द्रव अवस्था, और इसी के साथ साथ एक और जो इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन से लिया गया है वो है आयनिक ठोस की संरचना। और पांचवी इकाई जो है वो अपनी है एक रासायनिक क्रियाओं की क्रियाविधि, और फिर है एक और जो टॉपिक लिया गया है वो है अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि त्रिविमीय रसायन। यहाँ पे नीचे बुक्स भी दी हुई है विद राइटर, बट मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी जो अकॉर्डिंग टू मी या यूं कह दो बच्चों को समझने के लिए एक बुक है डॉक्टर पी भागचंदानी की, जो जिसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी है और कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर जो है दिए हुए, जो अपने पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं यूं मान के चलो 80 से 90% क्वेश्चन उसी बुक से लिए जाते हैं। अब अपनी बात करें दूसरे अभी इसी प्रैक्टिकल की बात करें यानी सेमेस्टर फर्स्ट के प्रैक्टिकल की बात करें, तो यहाँ पे आता है प्रैक्टिकल का नाम जैसे मैंने आपको पहले बताया लेबोरेटरी टेक्निक एंड सेफ्टी इन लेबोरेटरी, और यहाँ पे जो फर्स्ट ए सेक्शन में है वहाँ पे लेबोरेटरी टेक्निक में आप क्या क्या करोगे, एक तो आपका रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, एक रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, एक हाँ यहाँ पे वही मेल्टिंग पॉइंट की बात करेगा, फिर एक रहेगा थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा डिस्टिलेशन यानी कि हिंदी में बोला जाएगा आसवन, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपके कौन से रहेंगे क्वथनांक और गलनांक के, और तीसरा जो रहेगा डिस्टिलेशन यानी आसवन का रहेगा, फिर फोर्थ में आपकी आ जाती है ग्रीन केमिस्ट्री, और बाद में आता है प्यूरिफिकेशन मेथड्स, प्यूरिफिकेशन में पहला आ जाएगा क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण, फिर उसी के सेकंड पॉइंट में भी यही चीजें दी हुई है, और थर्ड में आता है सब्लिमिशन, सब्लिमिशन का मतलब होता है उद्रपातन। अब जैसे उद्रपातन समझते होंगे कोई जो ठोस है वो लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये आप इसके अंदर करते हो सब्लिमिशन के अंदर करते हो, और यहाँ पे कपूर का एक बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो। सी सेक्शन में आता है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, तो ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं, और उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में भी यही चीजें दी हुई है सरफेस टेंशन के बारे में, और डी सेक्शन में है स्पोर्टिंग, तो आपको 6 स्पोर्ट दिए जाएंगे जो आपको मिनिमम जो है 20 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। और एक चीज और बता दूं जैसे मैंने पहले मार्किंग स्कीम की बात की थी तो 40 नंबर का तो प्रैक्टिकल आपका रहेगा ही रहेगा, जैसे मैंने बताया है 40 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, प्लस में 10 नंबर इंटरनल जाएंगे, 10 नंबर के आ जाएंगे आपके इंटरनल, तो टोटल कितने नंबर हो गए प्रैक्टिकल के, 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो गए। नीचे जो आपके ये जो दिया हुआ है नीचे की तरफ ये हिंदी में भी ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, तो सेमेस्टर फर्स्ट की अभी जो जानकारी है मैंने दी है, आई होप आपको समझ में आई होगी, आपके आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। और एक चीज और बता दूं इस पेपर में यानी आपका जैसे ये सेम पैटर्न सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा, चाहे वो मैथ हो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री जो मैंने बताई दी अभी, और चाहे वो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, सभी में एक ही पेपर होगा। और बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम में, यानी पेपर आपके जो है मिनिमम 36 नंबर और 100 मार्क्स का रहेगा, आपको पता ही है पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 36 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइडेड है, पार्ट ए में जो आते हैं आपके कितने 10 क्वेश्चन आएंगे, और ए प्रत्येक जो प्रश्न है 1.5 मार्क्स का रहेगा, और इसमें 50 वर्ड्स लिखने हैं, नंबर कितने में 15 नंबर का रहेगा। फिर आता है बी सेक्शन, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे क्या करने हैं इसमें बी सेक्शन में सॉरी
बी सेक्शन में 7 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 करने होंगे, 35 नंबर का रह जाएगा। 200 वर्ड में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। फिर सी सेक्शन में आता है, इसमें आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, आपने 3 करने हैं जो कि 30 नंबर के, यानी ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और यहाँ पे जो है 500 वर्ड में आंसर देने होंगे, यानी 500 शब्द लिखने होंगे। आई होप आपको ये जानकारी काम आई होगी, आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और आगे की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।